मऊ जिले के शिक्षा विभाग में इस समय हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। जिले में यूडाइस पोर्टल पर छात्र प्रोफाइल डाटा अपलोड न होने के कारण 565 विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की नोटिस जारी की गई है। बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में शामिल सभी विद्यालयों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। डेटा अपलोड न करने वाले विद्यालयों को 9 फरवरी तक की अंतिम सीमा निर्धारित कर दी गई है। ये MySSI इंचार्ज सुधांशु ने बताया कि जिले के हर विद्यालय को एक कोड मिला हुआ है। प्रत्येक विद्यालय के छात्रों का डाटा उस पोर्टल पर अपलोड होता है। यह एक एकीकृत जिला सूचना प्रणाली है। कुल 565 विद्यालयों में से जिनका डाटा नहीं मिला है, 274 विद्यालय बेसिक शिक्षा के और 291 विद्यालय माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित हो रहे। इनकी मान्यता रद्द करने की नोटिस जारी हो गया है। विद्यालयों की मान्यता निरस्त करने की नोटिस दी गई, क्या पूरा मामला है? प्राइवेट विद्यालय और परिषदीय विद्यालय जो भी हमारे जनपद मऊ में हैं, यूडाइस पे जो उनकी डाटा एंट्री होनी है और उसको लेकर के कई बार यहाँ से पत्र निर्गत किए गए थे समय समय पर कि आप लोग यूडाइस पर स्टूडेंट प्रोफाइल, स्कूल प्रोफाइल, टीचर्स प्रोफाइल, ये सारी चीज़ों को अपडेट कर लीजिए। तो कुछ विद्यालयों के द्वारा, प्रसिद्धि विद्यालयों के द्वारा पूरा कर लिया गया है। कुछ निजी संस्थान के द्वारा भी कार्य प्रगत पर है, लेकिन अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि 565 विद्यालयों को नोटिस जारी की गई, जिसमें 272 बेसिक के हैं, 292 माध्यमिक के हैं। तो एक निर्देश दिया गया है कि आप लोगों के द्वारा समय के अंतर्गत, क्योंकि विभागीय और शासन के द्वारा जो योजनाएं चलती हैं, जो भी विभागीय कार्रवाइयाँ होती हैं, इन्हीं सब के आधार पर होती हैं, तो हमें सूचना ऊपर भेजनी है। इसके लिए हम नोटिस जारी किए हैं और समय के अंतर्गत इसे हम पूरा कराएंगे।